आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी आपके हृदय को स्पर्श कर जाएगी। दोस्तों, कहानी बड़ी शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आज का प्रसंग है कि भाग्य साथ नहीं देता तो क्या करें कि भाग्य साथ देने लगे और जीवन में सुख समृद्धि आ जाए। दोस्तों, इस प्रसंग को हम एक ब्राह्मण की कहानी से समझते हैं। एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन बातें करते हुए महल से काफी दूर निकल गए। रास्ते में उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण को देखा जो भिक्षा मांग करके अपने जीवन का गुजारा करता था। अर्जुन ने उस ब्राह्मण को देखा तो अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आ गई, अतः उन्होंने उस ब्राह्मण को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे दी। उस थैली को पा करके ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और वो सिक्के लेकर अपने घर की ओर चल दिया। लेकिन भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। जंगल के रास्ते में उसे एक चोर मिल गया जिसने उसके सारे सिक्के लूट लिए। ब्राह्मण के साथ जब ऐसा हुआ तो ब्राह्मण यह देख करके बहुत ही दुखी हुआ और वह कहने लगा कि मेरा भाग्य ही खराब है। यही कहता हुआ और अपने भाग्य को कोसता हुआ ब्राह्मण पुनः भिक्षा मांगने के लिए दूसरे दिन भी आ गया। जब अर्जुन और कृष्ण उधर से गुजरे तो उन्होंने फिर से उस ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। अर्जुन उसके पास गए और पहुंचे तो उन्होंने ब्राह्मण ने जो भी उसके साथ हुआ था वह सारी बात अर्जुन को बता दी। अर्जुन को फिर उस ब्राह्मण पर दया आ गई और अर्जुन ने उस ब्राह्मण को एक बड़ा सा हीरा दे दिया। दोस्तों, ब्राह्मण जब घर पहुंचा उसने हीरा एक पुराने घड़े में रख दिया जिसका प्रयोग नहीं होता था और सोने के लिए अपने बिस्तर पर चला गया। सुबह हुई, ब्राह्मण के उठने से पहले ब्राह्मण की पत्नी पानी भरने नदी की ओर गई। पानी भर के लाते समय उसके हाथ से घड़ा फिसल कर गिर गया और वहीं टूट गया। तभी ब्राह्मण की पत्नी को याद आया कि घर में एक बहुत पुराना घड़ा पड़ा हुआ है जिसका प्रयोग नहीं होता। उसने सोचा कि क्यों ना आज उसी में पानी भर करके घर का काम चलाया जाए। वह ब्राह्मणी अपनी घर की तरफ आई और घड़े को उठाया और वापस पानी भरने के लिए नदी की तरफ चल दी। नदी में जब उसने घड़े को डुबोया तो हीरा घड़े से निकलकर पानी में बह गया। जब वो घर को आई तो उसने देखा कि ब्राह्मण पूरे घर में कुछ खोजता हुआ फिर रहा है। ब्राह्मण ने जब अपनी पत्नी के हाथ में उस घड़े को देखा और घड़े में सिर्फ पानी भरा देखा तो वह समझ गया कि क्या हुआ होगा। हताश निराश ब्राह्मण पुनः अगले दिन भिक्षा मांगने उसी स्थान पर जा पहुंचा। संयोग की बात, अर्जुन और कृष्ण कहीं से लौट रहे थे। उनका ध्यान फिर उसी ब्राह्मण की तरफ चला गया। दोस्तों, उत्सुकता बस वो उसके पास पहुंचे और उससे पूछा कि अब आपको भीख मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई। ब्राह्मण ने फिर अपनी सारी राम कहानी सुना दी कि उसके साथ क्या हुआ था। ब्राह्मण की दुर्भाग्यपूर्ण कहानी को सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, इस आदमी की किस्मत में सुख समृद्धि लिखी ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं इसकी और मदद कर पाऊंगा। तभी श्री कृष्ण कुछ बोले नहीं, बस उन्होंने उस ब्राह्मण को दो पैसे दे दिए। ब्राह्मण ने वो पैसे लिए और घर की ओर चल दिया। ब्राह्मण के जाने के बाद अर्जुन बोले, जब मेरे इतना सोना देने और हीरा देने के बाद भी उस ब्राह्मण का भला नहीं हो सका तो आपके दिए दो पैसे से उसका क्या भला होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देखते हैं क्या होता है, यह तो ब्राह्मण की किस्मत जाने। ब्राह्मण अपने भाग्य को कोसता हुआ घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने एक मछुआरे को देखा जो कि एक ताजी बड़ी मछली पकड़ करके ले जा रहा था। मछली उसके जाल में तड़फड़ा रही थी और छूटने के लिए प्रयास कर रही थी। ब्राह्मण ने जैसे ही उस मछली को देखा, उस मछली की स्थिति को देखकर ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। उस ब्राह्मण ने सोचा कि इस दो पैसे से मेरा क्या भला होगा, क्यों ना इससे इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाए। दोस्तों, ब्राह्मण ने वह मछली खरीद लिया और उसे पुनः नदी में डालने के लिए चल पड़ा। नदी में फेंकने से पहले उसने देखा कि मछली के मुंह में कोई बड़ी वस्तु अटकी हुई है और उसी की वजह से वह सांस नहीं ले पा रही है। जब उसने मछली का मुंह खोलकर देखा तो उसमें एक बड़ा सा हीरा था जो उसे अर्जुन ने दिया था।
ब्राह्मण हीरे को पाकर के बहुत खुशी हुआ और वह जोर से चिल्ला पड़ा, देखो देखो मिल गया, आखिर मुझे मिल ही गया। उससे थोड़ी ही दूर पर वो वही चोर जा रहा था जिसने ब्राह्मण के सिक्के चुराए थे। उसने जब यह आवाज सुनी और ब्राह्मण को नदी की तरफ से अपनी तरफ आते हुए देखा तो चोर डर गया। चोर ने उसे देखकर पहचान लिया था कि यह वही व्यक्ति है जिसके सिक्के उसने चुराए थे। ब्राह्मण के चिल्लाने की आवाज को सुनकर उसे लगा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है और अब वो उसे पकड़वा कर सजा दिला देगा। चोर ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और बोला, अरे भाई मुझे माफ कर दो, अपने सिक्के ले लो और मुझे सजा मत दिलवाना, मुझसे बड़ी गलती हो गई। ब्राह्मण क्या बोलता पर वो सारा माजरा समझ गया। उसने चोर को माफ किया अपने सिक्के लिए और खुशी से मगन होकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। दोस्तों अगले दिन ब्राह्मण सीधे अर्जुन के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। ब्राह्मण ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और चला गया। उसके जाने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु यह क्या चमत्कार है, मेरे सिक्के और हीरे तो उसकी सहायता नहीं कर पाए पर आपके दिए दो पैसों ने तो कमाल कर दिया, इसका कारण जरा स्पष्ट करें। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तो सृष्टि का नियम है जिस पर दुनिया काम करती है। जब उसके पास ढेर सारे सिक्के और हीरे थे तो वह सिर्फ अपने बारे में, अपनी जरूरतों के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन जब उसके पास केवल दो पैसे थे तो भी उसने उस मछली के भले के लिए खर्च कर दिए। इसीलिए फिर उस ब्राह्मण के जरूरतों की जिम्मेदारी मैंने ले ली। हे अर्जुन सत्य तो यह है कि जब तुम किसी दूसरे व्यक्ति के दुख दर्द से द्रवित होते हो या अपने सिवा किसी और की जरूरतों की चिंता करते हो, उन लोगों के दुख दूर करने और उनकी जरूरत को पूरा करने का प्रयास करते हो तो तुम भगवान के कार्य में हाथ बटा रहे होते हो, फिर तुमको अपनी चिंता करने की क्या आवश्यकता है, वह चिंता तो मेरी हो गई, तुम्हारी जरूरत भगवान उसी दिन से पूरी करने लगता है। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म करते हुए रहना चाहिए और किसी दूसरे व्यक्ति पर यदि देख करके हमारा हृदय द्रवित हो जाए और हमसे जो कुछ भी सहायता बन सके हमें उसके लिए जरूर करनी चाहिए। दोस्तों यदि ऐसी प्रवृत्ति जिसके मन में आ गई और तो उसका भाग्य उसी दिन से उदय हो गया, क्योंकि यह तो प्रभु का कार्य है। जब आप प्रभु का कार्य करने लगेंगे तो प्रभु आपका कार्य करने लगेंगे, क्योंकि प्रभु की जो इच्छा है वो आप करने लगे तो जो आपकी इच्छा है वो प्रभु करने लगे। दोस्तों उसी दिन से उस ब्राह्मण की किस्मत चमक गई और उसका सोया हुआ भाग्य जाग गया। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। दोस्तों इस कहानी को सुनाने के लिए मैंने पूरा प्रयास किया है कि वीडियो आपको अच्छा लगे और वीडियो के माध्यम से आपको एक अच्छा संदेश प्राप्त हो, लेकिन यदि वीडियो में कहीं किसी प्रकार की कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, मुझे अज्ञानी जानकर क्षमा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।